हाँ जी, कल हमने क्या पढ़ा था? उसको ड्रॉप कर रहे हैं, नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। क्या? प्रतिसत्ता। परसेंटेज किसी भी एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करूं तो खुद कोई चैप्टर नहीं है, बचपन से परेशान हो। इस बचपन से नहीं देखा क्या तुमने? मोहल्ले पड़ोस में ताने दे दे के परेशान कर दिया कि तुम्हारी कितनी परसेंट आई 10वीं में, ऐसा हुआ ना? कितनी परसेंट आई, हमारे वाले कितनी आई है, तुम्हारी कितनी आई? तो जीवन दुखों से भरा हुआ है। किसकी वजह से? परसेंट। यहां भी साथ नहीं छोड़ा। कंपटीशन में सबसे ऊपर कौन रखा मिलेगा तुम्हें? अर्थमेटिक की बात करूं तो प्रतिशत और अनुपात, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ तुम्हें क्या सिखाते हैं? कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अर्थमेटिक को किस तरीके से करना है वो कौन सिखाएगा? परसेंटेज सिखाएगा। और कौन सिखाएगा? अगर किसी को अर्थमेटिक या कंपटीशन अच्छा करना है तो सबसे पहले प्रतिशत और अनुपात पढ़ लो। जिसने ये नहीं पढ़े होते ना, वो जीवन भर दुखी रहता है। हर चैप्टर में जाओगे तुम्हें हर चैप्टर ऐसा लगेगा, भूतिया, एकदम भूत सा लगेगा, डरावना। तो अगर मैथ सीखना है तो सबसे पहले क्या सीखो? प्रतिशत और अनुपात। अगर ये दो तुमने पक्के कर लिए तो समझ लो तुमने 60% मैथ पढ़ लिया। अब बाकी 40% चैप्टर में सिर्फ क्या बचता है? लैंग्वेज बचती है। हर एक चैप्टर की अलग अलग अपनी लैंग्वेज होती है। तो बात करेंगे किसकी? प्रतिशत की। आज देखना कि भी अगर यहां से थोड़ी शुरुआत स्लो रहेगी, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन अगर ये अच्छे से सीख लिया तो हर चैप्टर में तुमने समझ लो पकड़ बना ली। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी, इसका अपना कोई तर्क नहीं है। ये सारे तर्कों को मिलकर बनेगा, यानी कि सारे को जितने भी अर्थमेटिक में कितने होते हैं चैप्टर होते हैं, सबको मिला के क्या बनाया गया? परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट है। काम किस किस में आता है? कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में काम आता है गणना, यानी कि कहते हो ना क्या कमजोर है तुम्हारी, कैलकुलेशन खराब है, वो सब कौन सिखाता है? परसेंटेज सिखाता है। और किस में काम आता है? ये तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता है। किसके कॉन्सेप्ट? अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट। कि अर्थमेटिक को करना कैसे डिपेंड किस पे है? ये सारा बेस का खेल है। बेस का आधार क्या है? तो इस पूरे चैप्टर के अंदर तुम्हें क्या जानना है? आधार। आधार कार्ड नहीं है, उसी तरह से है, लेकिन यानी कि एक ही इंसान, एक नाम के दो इंसान हो सकते? नहीं हो सकते। जैसे मैंने बोल दिया 20%, मैंने बोल दिया 80%। तो जैसे मैंने बोला 20%, तो इसको सीखेंगे परसेंटेज सो किसमें? परसेंटेज सो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन सो परसेंटेज। तो मैंने लिख दिया 1/5, यानी कि ये भी वही बात सिखाता है, ये भी वही बात सिखाता है। यानी कि एक ही व्यक्ति क्या है? एक ही व्यक्ति के दो नाम है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है, यानी कि 20% भी वही वैल्यू है, 1/5 भी वही वैल्यू। यही सीखेंगे हम धीरे धीरे। तो बेसिक बेसिकली किस पर डिपेंड है? वाले आधार पर। मैं दो बात लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया क्या 20% ज्यादा है 80% से, या 80% ज्यादा है 20% से, या दोनों बराबर हैं? 80 ज्यादा होगा, इस बात की गणना नहीं कर सकते। क्यों? किस पर डिपेंडेबल करती है बात? ये आधार पर बात डिपेंडेबल करती है कि इनका आधार क्या है। 20% तो किसका 20%, 80% तो किसका 80%, है ना? जब तक आधार नहीं पता होगा तुम्हें, तब तक हम इन बात की गणना नहीं कर सकते कि 20% ज्यादा है या 80% ज्यादा है, 20% कम है 80% कम है। ये बराबर हो सकते हैं, कोई भी ज्यादा हो सकते हैं। मैंने वाले 20% निकालना, 1000 का 20% निकाल दो, और यहां तुम 100 का 80% निकाल दो, 1000 का 20% निकालो कितना आएगा? 200। और 100 का 80% निकालोगे तो 80, कौन ज्यादा हो गया? 20% ज्यादा हो गया। तो डिपेंड करता है किस पे? आधार पर। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें किसका आधार, किसकी बात करनी है? सिर्फ आधार की। ध्यान दो, सबसे पहले कुछ बातें करेंगे कि भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना, लेकिन जरूरी नहीं है। जीवन में सिर्फ इतना ही काम करना है तुम्हें कि मैंने लिख दिया 20% और तुम्हें लिख दिया 1/5, भैया इसी का यूज करना है। 2018 के पेपर उठा के देखना, देखे कभी प्रीवियस ईयर 2018, जो मैथ में धुरंधर हुआ करते थे ना, जो एकदम रट के ऐसे बैठे हैं कि भी परसेंटेज फ्रैक्शन याद कर रखे हैं, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं कुछ भी, धुएं निकल गए 2018 में। ऐसी ऐसी परसेंटेज दी उन्होंने, 23.1% निकाल लो, कहां से फ्रैक्शन निकालोगे? तो जरूरी नहीं सिर्फ यही फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन तुम्हारा साथ देंगे जीवन भर। तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए?
बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परसेंटेज का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस कितनी है। मैंने दिया कि भाई 10%, तुम इसे क्या लिखोगे, 1/10, फ्रैक्शन बना ली है ना। और अगर मैंने लिख दिया 30%, तो तुम क्या लिखोगे, यानी कि परसेंटेज हटाने के लिए तुम क्या देख रहे हो कि भैया अगर तुम चाहो तो 10% को कैसे लिख सकते हो, 10/100। यानी कि अगर आधार क्या है 100, अगर आधार क्या है 100, बात किस चल रही है, आधार की। अगर आधार मतलब बेस, बेस मतलब न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हर, अगर हर क्या है 100, तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट क्या कहलाती है, परसेंटेज वैल्यू कहलाती है। ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है, परसेंटेज वैल्यू। जैसे मैंने लिख दिया 1/5, तो मतलब परसेंटेज में गणना करनी है, तो ऊपर वाली वैल्यू परसेंटेज तो है, लेकिन उसका आधार कितना होना चाहिए, आधार कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इसे क्या बना दो, 100 बना दो, किसकी गुणा कर दो, 100 बनाने के लिए 20 की गुणा कर दो, तो ऊपर ही 20 की गुणा करनी पड़ेगी, 20/100, ये आधार बन गया ना 100। अगर 100 आधार बन गया तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 20%। तो दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर एक, यदि हम परसेंटेज को किस में बनाना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। और अगर फ्रैक्शन से कहां जाना है, परसेंटेज की तरफ जाना है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं किससे, 100 से। बस ये दो बातें हैं, इन दो से पूरा चैप्टर हो जाएगा कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो 100 से भाग कर दो, और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो 100 से गुणा कर दो। अब जैसे ये सीखा तुमने कि भाई इतनी बात तो हमें नहीं जाननी, हमने बोला 1/5 भैया फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन किस रूप में होती है, फ्रैक्शन होती है 1/b के रूप में, यानी कि अंश और हर के रूप में। तो यानी कि 1/5 तुमने क्या देखा, ये किस में है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से कहाँ जाना है, परसेंटेज, क्या करना है, 100 से गुणा करनी है, 100 से क्या करनी है, गुणा करनी है। बेसिकली इसका परसेंटेज का साइन 7 के 7 लगाते हैं हम, कितना आ गया, 7 के 7 क्यों लगाते हैं, तुमने कभी देखा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ गुणा कर दी, अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया, ऐसा कभी हुआ है, मैथमैन ऐसा कुछ नहीं करते, अपनी तरफ से जोड़ दिया, अपनी तरफ से घटा दिया। जैसे मैंने लिया 1/5, तो बेसिकली क्या करना है, 100 से गुणा 100 से भाग, 100 से गुणा 100 से भाग, 5 से इसको काटते हैं, ऊपर 20 बन गया, नीचे 100 है, तो नीचे वाले 100 को लिखते नहीं है बस, क्योंकि हमें आधार क्या बनाना है, आधार हमें क्या बनाना है, 100 बनाना है। जैसे मैंने 1/7 लिख दिया, तुम इसका आधार 100 बना दो बस, आधार 100 मतलब नीचे 100 बना दो, नीचे 100 बना दो, तो ऊपर भी तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, परसेंटेज वैल्यू कहलाती है। इसलिए हम नीचे वाले क्या करते हैं, इनविजिबल रखते हैं, इसे दिखाते ही नहीं कभी, तो सिर्फ इतना लिखते हैं, इतना तो लिखते हैं कि 1/7, 1/5, 1/5 को परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा, 100 से गुणा। ये वाला हिडन रहता है, ये वाला पार्ट हिडन रहता है, बेस हिडन रहता है, तो बेस हम कभी नहीं लिखते, इसलिए इतना होता है, 20% बन जाता है बस। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें हिडन रखना है तो परसेंटेज 7 के 7 लगा दो, जहां तुमने 100 की मल्टीप्लाई कर दो, समझ लो परसेंटेज वहीं 7 देगा तुम्हारा, वहीं से परसेंटेज की क्या होगी, शुरुआत होगी, इसको हटा के नहीं रखना है। और परसेंटेज की वैल्यू ही क्या कहलाती है, परसेंटेज बराबर ही क्या होता है, 1/100 होता है। अगर किसी को इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो ये वाली उतार लो बस, बात ये काम देगी। देखो परसेंटेज का बेस इतना ब्रॉड लेवल पे है कि अगर 2 दिन चाहो तो तुम क्या पढ़ सकते हो, सिर्फ बेस पढ़ सकते हो, सिर्फ इसके बेसिक की बात कर सकते हो। लेकिन सिर्फ 15 मिनट बेस पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, सीधा चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फिर कल फिर शुरुआत करेंगे, फिर 15 मिनट क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी कि इसके बेस को क्या पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर मैं एक साथ तुम्हें बेस पढ़ाने लग जाऊँ तो तुम पागल हो जाओगे,
है ना, एक साथ बेस नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि इतना दिमाग स्टोर नहीं कर सकता। पहले हम थोड़ा सा बेस स्टोर करेंगे दिमाग में, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर बेस स्टोर करेंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे चलना है धीरे धीरे। उतार लिए वादी। तो तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए, अगर देखो कैलकुलेशन में चाहते हो मैं अच्छा रहूं तो कुछ बातें फ्रैक्शन वाली क्या होनी चाहिए तुम्हें पता होनी चाहिए। इधर मैं लिखूंगा एक बटे दो, क्या लिखूंगा एक बटे तीन, क्या लिखूंगा एक बटे चार, ये सब किस रूप में लिख रहा हूं मैं, फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। तुम्हें इधर लिख के क्या बननी है, एक ही लाइन में लिखनी है। अगर मैं इधर भी लिख भी दूं तुम्हें ऊपर से नीचे तक ही लिखनी है सारी। फिर क्या लिखना है, एक बटे पांच लिखते रहो साथ के साथ, एक बटे छह, फिर एक बटे सात, ऐसे लिखते रहो, एक बटे आठ, बीस तक लिख लो कम से कम एक ही लाइन में, एक ही रो में लिखनी है। तुम्हें एक ही लाइन में लिखनी है सारी, यहां से बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। तो क्या करें, अभी हमने देखा था कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करें, 100 से गुणा। तो सब में क्या कर दो, 100 से गुणा करो, लेकिन परसेंटेज का साइन साथ के साथ लगाना। 100 से गुणा परसेंटेज, 100 से गुणा परसेंटेज। देखो मैं चाहूं कितना भी करता रहूं मेरे करने से काम नहीं चलेगा, करने से किसके से काम चलेगा, तुम्हारे से। गुणा भाग करते रहो, गुणा भाग करते रहो। सारे लिखने 20 तक लिखने, 20 तक। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बाद में करना। इधर देखो कि भैया 2 से कटा कितनी बार, कितना आ गया 50%। 3 से कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 3 से क्या करो, इसे डिवाइड करो, 3 3 3 टाइम्स गया, 1 बचा, फिर 10 बचा, 3 टाइम्स अगेन गया, तो कितना रिमाइंडर बचा, 1/3%। या इसे दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं, 33.33%। क्यों, क्योंकि 1/3% अगेन बना देगा, क्या 3 3 बना देगा, क्योंकि 1/3 क्या बना रहा है, देखो 1/3 कंप्लीट नंबर क्या बना रहा है, 33 बना रहा है। 1/3 कंप्लीट नंबर कितना बना रहा है, 33 बना रहा है। तो तुमने देखा 1/3 अगेन कितना बनाएगा, 33 बनाएगा, लेकिन किसके बाद, 33 के बाद, है ना। जैसे आ जाए 4/3 को भाग देना है तुम्हें, तो तुम्हें भाग नहीं देना, कितनी बार चला गया, एक बार चला गया भैया, एक बार तो कंप्लीट चला गया, फिर लगा दो पॉइंट, है ना। फिर तुम्हें बताया अगर एक बार चला गया तो 3 तो गया, बचा क्या, एक, ऊपर एक बचा, नीचे 3, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें बताया 1/3 कितना होता है, 33 होता है, तो पॉइंट के बाद कितना आएगा, 3 3 आएगा। ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन इसीलिए आसान होती है, इन्हें कोई नहीं करता एग्जाम में जाने के बाद, इन्हें सीधे लगाते वो, सीधे तुक्का मारते, सीधे करते। जैसे बोलो 8/7 की भाग करना है, अब तुम्हें क्या शुरुआत है, तुम्हें करनी पड़ेगी। अब जैसे इसमें जाओगे तुम तो अभी सीखेंगे, देखो 1/4 = 25%, 1/20 कट गया कितना आ गया। अब जैसे मैंने इसे लिख दिया भाई 6 से काटो, इसे कितनी बार गया, एक बार, फिर कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, तो कितनी बार गया, 6 बार, तो 16 बचा, कितना बचा, कितना बचा भाई, कितना बार, 36 बार चला गया, 4 बचा, तो ऊपर 4 नीचे 6, फिर किससे कट जाएगा, 2 से, तो कितना बचेगा, 2/3%। अब यहां देखो 2/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 2/3, 1/3 = तुमने देखा कितना होता है, 33 होता है, तो उसमें कितने की गुणा, 2 की,
तो तुम लिख सकते हो ना 16.66 क्योंकि 33 दुनी 66, तो तुम्हें ऐसी गुणा करने की जरूरत थोड़ी है। या फिर तुम देखते हो कि भाई अगर 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या होती है तो उसे क्या बना देते हैं, उसे अप्रोक्सीमेशन में एक नंबर क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, यानी कि इतना लिख देते हैं, लास्ट वाली टर्म को एक ज्यादा लिख दो क्योंकि इसके बाद में तो कोई टर्म आएंगे, उसको हटाने के लिए इसी को एक संख्या बड़ा लिख देते हैं पॉइंट में, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ता इसलिए लिख देते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया 7/6 लिख दिया, तो इसे कैलकुलेशन में कंप्लीट कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितनी बार चला गया, एक बार चला गया, एक बार चला गया तो पॉइंट लगा दिया, कितना बचा ऊपर, छह तो चला गया, बचा कितना, एक, एक बटे छह, तुमने देखा भैया 1/6 को तुमने 16 लिखा था तो पॉइंट के बाद 16 है ना। अब तुमने लिखना है क्या, इसे लिखना है तुम्हें क्या लिखा, अच्छा नेक्स्ट बात है, पहले 1/7 अभी से बनाओ जरा फ्रैक्शन में, पहले इसे फ्रैक्शन बनाओ, 14 सही भाई, 7 से कितनी बार गया, एक बार, फिर कितना बचा, 3 बचा, तो 4 बार चला गया 28, फिर कितना बचा, 2/7, यानी कि 14 सही 2/7%। इसे कंप्लीट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 2/7, 1/7 बराबर कितना होता है 14, उसमें कितने की मल्टीप्लाई 2 की, तो 14 दूनी, तो 14.28 ये कैलकुलेशन होगी। वे अगर एग्जाम में आ जाए कि 14 से 2/7 नहीं लिख रहा था, पॉइंट में लिख रहा था, तो उसमें क्या कर दो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसी 14 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28, 14.28 हो जाएगा। और जैसे मैं ही लिखना चाहूं 8/7, तो पॉइंट में बताओ, पॉइंट में बताओ कितना आंसर आएगा कि 7 में कितनी बार गया, एक बार, एक बार। ध्यान रखना परसेंटेज कोई इसलिए नहीं है कि तुम्हें परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज चैप्टर इसलिए होता है कि तुम्हें कैलकुलेशन सीखनी है, और तुम्हें क्या सीखनी है, तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, पूरे अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये कोई चैप्टर नहीं है। अगर समझ लो किसी का परसेंटेज छूटा हुआ है तो समझ लो उसका पूरा अर्थमेटिक ही छूटा हुआ है, उसने कभी अगर वो एफर्ट लगाना भी चाहे ना, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन सीख सकता है, अर्थमेटिक नहीं सीख सकता बिना किसके, बिना परसेंटेज के। तो तुमने लिख दिया 8/7, 7 से कितनी बार गया, एक बार, कितना बचा ऊपर, एक बचा, ऊपर कितना बचा, एक, 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 14 होता है, तो पॉइंट के बाद 14। अगर मैं लिख दिया 9/7, कैलकुलेशन करके बताओ कि भाई 7 से कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाएगा, ऊपर कितना बचा, 2, तो 2/7, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 14 दूनी 28, तो पॉइंट 28 आ जाएगा इसका आंसर। तो कैलकुलेशन है, आगे चलो, 1/7 हो गया, 1/8 को लिखो, 100 गुणा करो कितना आएगा, 12 सही, विगुणा 100% कितना आएगा, 12 सही, 1/2%, या तुम देखो 1/2, 1/2 कितना होता है, 1/2 बराबर कितना होता है 50, तो तुम्हें करने की थोड़ी जरूरत है, 1/2 कितना होता है 50 होता है। अगर ये देखो ऐसा नहीं भी चाहो तो तुमने पता है कि 1/4 कितना होता है 25, 1/4 कितना होता है 25, 1/4 में अगर नीचे 2 की गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो नीचे 2 की गुणा कर दो, यानी कि 25 को 2 से भाग दे दो, 25 को 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 12.5, ये तुम्हारा इसका आंसर है। ये सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बशर्ते हमें मैथ को समझना है। भी 2 से भाग दे दिया, अब तुम इसको चाहे किसको चाहे, आगे चलो 1/9, 1/9 कितना होता है, इसे देखो ध्यान से, 1/3, अगर नीचे 3 से गुणा कर दू तो 1/9 नहीं बन जाएगा, तो नीचे 3 से गुणा करोगे तो कितना रह जाएगा, नीचे 3 से गुणा करोगे तो 11 से कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11, ये भी कितना हो जाएगा भाई 1/3, 3 से गुणा तो नीचे क्या हो जाएगा 1/9, तो 11 से 1/9, 1/9 बराबर कितना होता है, आगे सीखेंगे, 1/9 बराबर कितना देखा तुमने, 1/9 कंप्लीट कितना है 11, तो इसे क्या लिख सकता हूं 11.1111। ये सारा किसका खेल है, बेस का खेल है कि हम बेस क्या बना रहे हैं, जल्दी लिख दो, ये एग्जाम में नहीं आता, और क्या नहीं आता, 14 आता, 15 आता, 16 आता, 1/17 नहीं आता, चल लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहिए मत लिखो। देखो अरे फालतू चीज नहीं सीखनी हमें, मैं थी तो सीख रहा, नौकरी लेनी, मास्टर थोड़ी बनना है, अभी जब मास्टर बनना तो बताना मुझे, मैं सिखाऊंगा फिर, अभी तुम्हें क्या लेनी है सिर्फ नौकरी, आधे को नहीं पता नहीं आते एग्जाम में, 1/13 नहीं आया कभी भी, 1/17 नहीं पूछता, 1/19 नहीं पूछता, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता, कौन सी संख्या नहीं पूछता, अभाज्य संख्या नहीं पूछता, नीचे
ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगला क्या नहीं पूछेगा मुझे बताओ कोई? 1/23 कभी नहीं पूछेगा। अगला 1/29 कभी नहीं पूछेगा। अभाज्य संख्या कभी नहीं पूछता, ये पता नहीं होती अच्छी अच्छी बातें, तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ताड़ लो, अब लिखो जल्दी से इन्हें। आसे पहले बता दी क्या बात ये? 13 तो ऐसा नंबर है कि कोई इसके नाम का तो कमरा नहीं बनाता, इसके नाम का तो नोएडा में सेक्टर नहीं बनाए। 12 के बाद सीधा 14, दुनिया 13 ढूंढते, 13 कहां गया? फ्लैट नंबर नहीं डालता कोई, कमरा नंबर नहीं डालता 13, तो वो एग्जाम में कैसे दे देंगे? सबको लिख दो सबक से। अच्छा फिर एक बात और सीखते हैं, फिर इसके ऊपर एक बात और लिख देना कि 1 बराबर कितना होता है? 100%। 1 बराबर कितना होता है? 100%। अभी थोड़ा सा बेस सीखेंगे, उसके बाद सीधे चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट का बेस सीखेंगे, उसी के फिर सवाल करेंगे, फिर बेस सीखेंगे, फिर सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें एक साथ बर्डन डाल दूंगा, सारा बेस सिखा दूंगा। सारे लिख देने। 1/9 कितना लिख दिया? ये तो तुम्हें नहीं पता होगा शायद, 1/10 तो नहीं पता होगा, बहुत बड़ी गुणा भाग है। तो कितना आ गया? या अगेन क्या लिख सकते हैं इसे? 9.09%। नेक्स्ट गुणा 100%, 8 से 1/3%, या 8.33%। इसे छोड़ दो, एग्जाम में आता ही नहीं है। तो 50/ कितना आ गया भाई? 14 × 7 = 98। कितनी बार गया? 7 बार। तो 7 सही, कितना बचा? 2, 1/7%, या 7 पॉइंट। गुणा नहीं करनी किसी को, 7 पॉइंट। 1/7 कितना होता है? 14। अच्छा ये पॉइंट कैसे आ गया? कितना होता है 14? तो इतना परसेंट। ध्यान रखना ये बेस बनाना बहुत जरूरी है। तुम्हें कहां तक लिखने हैं सब? 20 तक लिखने, गुणा करके सारे फ्रैक्शन में भी और कंप्लीट नंबर में भी। ये खुद से एफर्ट लगाना है, मेरे लगाने से कुछ नहीं होता। चले और सीखे, बस इसी का बेस सीखेंगे, परसेंटेज का और फ्रैक्शन का, और बाकी बेस सिखाऊंगा कल। आज सिर्फ करेंगे चैप्टर की शुरुआत। चलो ध्यान दो, अभी तुमने सीखा था 1/2 बराबर कितना होता है। ये काम घर जाके करना है तुम्हें, अगर चाहते हो वाकई में मैथ सीखना, तो ये काम घर जाके सीखना। मैं सिर्फ 1-2 में बताऊंगा तुम्हें सारे करने, जितने तुमने 20 तक लिखे ना वो काम सब में करना तुम्हें। 1/2 कितना लिखा था तुमने? अगर मैं चाहूं से 2/2 बनाना तो कितना बनेगा? ये परसेंटेज नहीं है। अगर मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, या मैं बोलूं 1/2 में कितने की मल्टीप्लाई कर दी? 2 की, तो कितना बन जाएगा? 1। और अगर 1/2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 1/2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 50 में भी कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 की हो जाएगी। कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब मैं लिखता हूं 1/3 कितना होता है? इतना होता है? नहीं होता। अगर मैंने गांव से 2/3 बनाओ तो कितने की मल्टीप्लाई कर दी? 2 की। तो इस सब में किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 33 × 66, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई, 2/3%। अब मैं कहूं 3/3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3/3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया? 99। 1/3 × 3, 1 यहां से बन गया, 99 × 1 100 बन जाएगा। 1/4 कितना होता है? 25%। अगर मैं कहूं इसे 2/4 लिखो तो 2 की गुणा कर दी, कितना बन गया? 50%। और 2 से 1 बार कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 = 50 कर लोगे। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3/4, 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 25 थी, 75%। ये ध्यान रखना है, अगर तुम चाहते हो कि मैं फटाक देसी आंसर दूं तो ये कुछ बातें क्या होनी चाहिए? दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अगला लिख दिया 1/5 बराबर कितना होता है? अगर मैं लिख दूं 2/5 कितना होता है? 2 की गुणा कर दो, 2 की गुणा कर दो। मैं लिख दिया 3/5 2, तो कितने की गुणा?
तीन की तीन गुणा कर दो 60%, मिल गया 4/5 80%। तो अब चाहे एग्जाम में 80% आ जाए 4/5 आ जाए, 4/5 आ जाए तो तुम्हें 80% लिखना है, 80% का यूज करना है, 80% आ जाए तो 4/5 का यूज करना है। मैंने लिख दिया 1/6 कितना होता है, अब मैंने लिख दिया 2/3 लिखूंगा तो कितना बन जाएगा 2/3, 2 से कितनी बार कट गया 3 बार, तो 1/3 बन गया, 1/3 पता है यहां तो क्या था, कितना लिखूं इसे 33, 4/3 4/6 लिखूं, इसे लिख दिया 4/6 तो कितना बन जाएगा 2/3, 2/3 भी सीखा था, अब क्या लिख दूं इसे 5/6, बताओ कितना बनेगा 5/6, अगर आ जाते हैं परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो तुम क्या करोगे 100 की गुणा करोगे, तुम्हें डायरेक्ट बताना अभी 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है 16, सही 2/3 कितने की मल्टीप्लाई इसमें 5 की, कितने की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितने में इसमें 16 5 10/3, लेकिन न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर अंश छोटा होना चाहिए किससे, हर से कितनी बार और चला गया 3 बार चला गया, तो जितनी बार गया उसे इसमें ऐड कर दो 1/3, और 1/3 कितना होता है इतना होता है, या फिर तुम इसे कैसे लिख सकते हो, तुम इसे लिख सकते हो 5/6 बराबर क्या होता है 1 - 1/6, 1 - 1/6 और 1 होता है कितना 100%, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, अभी ना घटा दो, या तो घटाने का तरीका क्या होता है, क्या होता है डायरेक्ट नहीं घटाना कि भी क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, वे सब काम नहीं करते क्योंकि बच्चे नहीं हो बड़े हो चुके हो, कभी बचपन में भी सीख लिया था इतनी बात, तो इसे क्या कम करना है, या तो इसे कम कर दो, कितना मान लिया 99 में से कितना घटा दो 16 घटा दो, कितना बचा 99 16 गया तो 83 बचा, नहीं बचा भाई 99 16 गया कितना बचा 83, इन दोनों का अंतर एक ऊपर और बेस नहीं बदलेगा तो कितना हो जाएगा, किसी में भी अगर किसी भी कंप्लीट नंबर से में से फ्रैक्शन नंबर घटाना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये तो सारा काम तुम्हें किसके साथ करना है 1/7 1/8 और करके देखना, अगर नहीं करोगे तो समझ लो बहुत पीछे जा रहे हो, फिर पढ़ा बेपढ़ा सब एक जैसा, ये सारे काम करने हैं, क्योंकि मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर तो इसी में हो जाएगा फिर। चलो एक बात सीखते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, अगर तुमने फ्रैक्शन सीख लिया देखना कितना आसान लगेगा। टाइप नंबर 1, ध्यान रखना इसमें हर एक टाइप एक अलग चैप्टर है, ध्यान रखना एक अलग चैप्टर को क्या करेगी है? और इस फ्रैक्शन को इससे पहले भी एक बात और देख लो, इन फ्रैक्शन को कोई छोटी मोटी बात मत समझना, अगर तुम चाहो तो इन्हीं फ्रैक्शन से या इस परसेंटेज से पूरे अर्थमेटिक को खत्म कर सकते हो। कैसे, टाइम एंड वर्क की बात करता हूं, चलो मैं एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है कितने दिन में, वही एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में, परसेंटेज से करना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो तुमने देखा 10 दिन में काम होगा, तो बचपन में सीखा था ना, एक 10 दिन में बराबर 10 दिन में एक काम, 10 दिन में तो एक काम, एक दिन में कितना काम 1/10, तो इसे लिख सकता हूं 1/10 काम कर दिया, फिर इसने कितना कर दिया 1/15 कर दिया, ये परसेंटेज में कितना होता है अभी तो सीखा था, ये परसेंटेज में जब निकालोगे जब सीखोगे कितना होता है 6 सही 2/ इतने, इसने 10% काम किया, इसने इतने परसेंट काम किया, तो दोनों मिलके इतने परसेंट काम करेंगे नहीं करेंगे, और ये किसकी फ्रैक्शन होती है, यानी कि एक काम कितने दिन में, यानी कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 6 दिन में, आंसर आएगा तुम्हारा, किससे कर सकते हो तुम, और कोई चैप्टर ऐसा है जिससे जो लगता है कि हमें परसेंटेज हो ही नहीं सकता, टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्या तुम्हें लगता है परसेंटेज हो सकता है, अभी हो जाएगा देखो, ये दो व्यक्ति हैं, ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये वाला व्यक्ति इधर 20 घंटे में पहुंच सकता है, ये वाला व्यक्ति इधर 20 घंटे में पहुंच सकता है, ये 20 दिन में या घंटे कुछ भी हो सकता है 20 आवर, ये वाला व्यक्ति इधर 10 घंटे में पहुंच सकता है, तो बताओ ये कितनी देर बाद कितने घंटे के बाद मिलेंगे ये दूसरे से, तो 20% 20 दिन, तो 1/20 बराबर 5%, 1/10 बराबर 10%, तो दोनों मिलकर 15%, फ्रैक्शन बना लो 15/100
तो कितने बार गया, पांच से, तीन बार, पांच से ऊपर हमेशा एक होना चाहिए, तो तीन का चला जाएगा नीचे, तो 20/3 घंटे में मिल जाएंगे, TSDB हो जाएगा। तो अगर तुम चाहो, अगर तुमने फ्रैक्शन इतनी बढ़िया कर लिया, तो तुम पूरे अर्थमेटिक को समाप्त कर सकते हो, लेकिन इतना एफर्ट लगाए कौन, हमें तो इसमें मौत आती है पढ़ने में, है ना, यही पढ़ ले, वही बहुत है, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ ले। चलो ये सिर्फ किसका था, ये इंपॉर्टेंस दिखाने कि परसेंटेज का कितना रोल है। परसेंटेज और दो रेशो दो ऐसे चैप्टर हैं कि बिना इनके अर्थमेटिक या मैथ सीखना मुश्किल है, जैसे एडवांस एल्जेब्रा के बिना सीखना मुश्किल है, ऐसी एल्जेब्रा और ज्योमेट्री उसमें बड़े मायने रखती हैं, और इसमें क्या है, परसेंटेज और रेशो। तो बिना किसी देरी के टाइप नंबर एक, कॉपी किताब खोल लो और डाल दो टाइप नंबर एक, चैप्टर की शुरुआत एक नंबर यहीं से शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना मैं पढ़ा परसेंटेज रहा हूं, लेकिन सीखा पूरा अर्थमेटिक रहा हूं। अगर इसमें कहीं भी समस्या तो मुझे साथ के साथ बताते रहना, वरना समझ लो ये तो जा ही रहा है, पूरा अर्थमेटिक ही जा रहा है। टाइप नंबर एक, बात करूंगा मैं हर एक 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 फॉर्मूले की, फॉर्मूले कैसे रहने वाले हैं इसमें, दो चीजों की गुणा करके जब तीसरी चीज मिले, दो चीजों की गुणा करके जब तीसरी चीज, तुम कोई फॉर्मूला सोच लो ऐसा जो तुम्हारा मन करता है, जैसे दूरी बराबर, दूरी बराबर चाल गुणा समय, वे दो चीजों की गुणा करी तो क्या मिला मुझे, तीसरी चीज मिली। अब ये दूरी तुम छोड़ दो कि दूरी पढ़ रहे हैं हम या फिर क्या पढ़ रहे हैं, बस तुम ध्यान रखना कि दो चीजों की गुणा करके यदि तीसरी चीज आता है, जैसे कि कोई कुछ भी मान लो, टाइम एंड वर्क में जैसा होता है, क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर कितना होता है, क्षमता गुणा समय, तो दो चीजों की गुणा करके क्या मिल रहा है, तीसरी चीज मिल रही है। कोई भी चैप्टर, कोई भी जो तुम्हारे फॉर्मूला दिमाग में आता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सिर्फ मैं अर्थमेटिक की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूं, तुम मुझे बस एक फॉर्मूला बताओ, ऐसा फॉर्मूला बताओ कि जिसमें दो की गुणा करूं या दो की गुणा करूं और तीसरी चीज मिल जाए, या तीन की गुणा करूं, मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें इधर किसी नंबर की गुणा हो रही हो, किसी भी टाइम की गुणा हो रही हो और इधर एक चीज मिल जाए, वो सब में ही कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि परसेंटेज का वो कॉन्सेप्ट है जो हर एक उस चीज में लगेगा कि इधर गुणा हो रही हो और इधर, यानी कि एक तरफ से बेरोजगार को पढ़ाया जा रहा है, उधर से क्या नौकरी ले लेके निकल रहे, एक तरफ से गुणा कर रहे हो, दूसरी तरफ से एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है, तो हर एक उसमें लगेगा। तो करें शुरुआत, अब बाकी तुम अगर तुम्हारे फॉर्मूला कोई भी याद आता है, जैसे आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या खर्च पिज्जा खाना है, जो खर्चा करना है पिज्जा खाना है, तो क्या चाहिए, सबसे पहले कैसे होने चाहिए, जेब में तो पैसे होने चाहिए और पता होना चाहिए कितने पिज्जे खाने हैं हमें जाके, जब ही तो जाओगे कितने जने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे वो कैसे पता चलेगा, भाई पिज्जे का मूल्य क्या चल रहा है, पिज्जे का मूल्य कितने रुपए का, 100 रुपए वाला खाना है 200 वाला खाना है, उसी हिसाब से तो बजट बनाएंगे, एक लेने दो लेने, है ना, जेब में तो 100 रुपए, पता चला 180 का पिज्जा चल रहा है, एक नहीं आने का, तभी तो लगाना है, तुम्हारी जेब में 400 रुपए तो तुम्हें पता 400 आज उड़ा के आने, आज 400 रुपए उड़ा के आने, तो पता होना चाहिए हम जो खाने जा रहे हैं उसका मूल्य क्या है और हम कितनी खाने वाले हैं, यानी कि खपत कितनी है, हम एक खाएंगे दो खाएंगे तीन खाएंगे वो सब क्या बनेगा, यानी कि अगर खर्च किसी और रूप में भी हो सकता है, हमें घूमने जाना है ट्रेन बुक करनी है तो क्या पता होना चाहिए, किराया कितना है, किराया कितना है और टिकटों की संख्या कितनी लेनी है, यानी टिकट की संख्या कितनी होने वाली, यानी कि ऐसी कोई भी चीज बनती है जिसकी हम गुणा करेंगे तीसरी चीज हाथ आ जाएगी, या तीन की गुणा करेंगे चौथी चीज आ जाएगी, चार की गुणा करेंगे पांचवी चीज हाथ आ जाएगी, यानी कि ऐसा कोई भी हो तो कॉन्सेप्ट नंबर एक, टाइप नंबर एक डाल दो, इन्हें उतारना उतार लो और आगे डॉट डॉट ऐसे लगा देना कि भैया ये कभी समाप्त नहीं होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट ये हो गया, अब कोई फॉर्मूला आ जाता है तो वो कहलाती है लैंग्वेज, कि हमने क्या लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़ी या नहीं पढ़ी।
जल्दी तेज जहाज चलाओ, वैसे तो बहुत समय लग जाएगा। फोटो खींच लिया करो, डिजिटल इंडिया में रहते हो, डिजिटलाइजेशन का यूज नहीं करते। फोटो खींच लिया करो, मैं साइड हो जाऊंगा। ऐसे ध्यान दो, देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा। अब एक होते लैंग्वेज, अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही फॉर्मल आ जाए, ये उस तरह से एक ही व्यक्ति के दो नाम, जैसे तुमने मेरा एक नाम सुना था और सारे हंसे थे उस दिन, है ना। बताना थोड़ी है यार, जिसको नहीं पता उसे पता चल गया। तो तुमने सिर्फ इतना ही सुना, मेरा नाम तुम स्पर्श जानते थे, अच्छा लगा है ना, तुम पढ़ रहे, लेकिन अचानक से तुमने दूसरा नाम सुना, तुम हैरान हो गए। तो एग्जाम में ऐसे ही होता है कि तुम इतना तो पढ़ के जा रहे हो, लेकिन एग्जाम में आया नहीं। एग्जाम में एग्जामिनर ने एक नया फॉर्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन दे दिया। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी कोई भी दिमाग में ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे सवाल नहीं हो रहे, कि मुझे सवाल सीखने। तुम्हें सिर्फ इसमें क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले सीखना है क्या मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आज ना तो कल सवाल तो हो ही जाने। सबसे पहली बात है कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। तो कॉन्सेप्ट नंबर एक है कि जब दो चीजों की गुणा करके तीसरी चीज मिल रही हो, वहीं लिख देता हूं मैं खर्च बराबर। एक फॉर्मूले को आधार मान लेते हैं कोई से को भी, एक खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। तो इसमें भी कितनी चीज दिख रही है, एक दो तीन चीज दिख रही है। तो इसके अंदर कितनी टाइप बनेगी, तीन टाइप बनेगी। दो तो गुणा वाली, एक भाग वाली, या बोलो एक गुणा वाली और दो भाग वाली। तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक बार गुणा करना सीखेंगे, तीन बार भाग करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक टाइप सीखेंगे, जैसे ध्यान दो। पहली टाइप है जब खर्च स्थिर करना चाहिए, यानी कि जिधर एक चीज लिखी है उधर स्थिर रखना चाहिए, जैसे दूरी बराबर चाल गुणा समय। यानी कि इधर वाली चीज को क्या रखना चाहे, स्थिर या कॉन्स्टेंट रखना चाहे। इधर वाली चीज को स्थिर रखना चाहे, कॉन्स्टेंट रखने की इच्छा है कि भैया तुम्हारे पास है कितने रुपए, तुमने गए पिज्जा खाने के लिए जा रहे हो, अच्छी खासी पार्टी दे रहे हो, बर्थडे है तुम्हारा, और 100-200 आदमी को खाना बुक कर रखा तुमने कि भाई चलो खाना खाने चल रहे हैं। तुमने दुकान पे गए, 100 रुपए का पिज्जा चल रहा है, बोला सस्ते से काम चलाना है, आदमी तो 100 है तुम्हारे पास, कि 100 रुपए का पिज्जा चल रहा है, यानी कि मूल्य कितने का पिज्जे का, 100 रुपए। तुमने बोला तुमारे साथ आदमी खाने वाले कितने, अब सबने बोल दिया मैं तो अपना अपना अलग खाऊंगा, मैं कोई शेयरिंग नहीं करना चाहता, सभी एकदम अपना अपना अलग चाहते हैं। तो तुम क्या करोगे कि भैया 100 रुपए का पिज्जा है और आदमी भी 100 है, रुपए हो गए 10,000 का खर्चा। तो क्या हो गया, प्राइस, ये कंजम्पशन, ये एक्सपेंडिचर खर्च, यानी कि 100 रुपए का पिज्जा, 100 खाने वाले, खर्च कितने हुए 10,000 रुपए। जैसे तैसे बात बन गई, 10,000 का खर्चा, अपने घर आ गए। बर्थडे एक बार थोड़ी आता है, अगले नींद आए ना आए वो तुम्हारा काम है, कि भैया हो सकता है इसी, तो पता है कि उसने खवा दिए, तुम उसने बोल तुमने बोल दिया जाओ तुम, मैं आ रहा हूँ इसका पेमेंट करके, और तुम हर रात भर बर्तन साफ कर रहे हो उसके, हमें थोड़ी पता है तुमने पेमेंट कैसे किया, बर्तन साफ करके किया, वहां झाड़ू पोछा करके किया, तो तुम पे डिपेंड करता है। रात को नींद नहीं आई, कैसे नहीं आई, कमर में दर्द था क्योंकि रात भर क्या लगाया, पोछा लगाया, और तुम तुम जानो खर्चा कितने, पिज्जा कितने का था। जैसे तैसे ये बर्थडे चला गया, अगला बर्थडे फिर आया, खर्चा फिर आ रहा है। अब क्या हुआ, पिज्जा खाने गए, तुम ले गए 10,000 रुपए, कितने ले गए तुम्हें पता, इतने का तो होना है बर्तन मांजने पड़ जाएंगे। तुम 10,000 रुपए जेब में ले गए, दुकान में पहुंचे, तुम्हें पता चला पिज्जा कितने का है, 100 का नहीं रहा। अब उसने बोला भैया पिज्जे के रेट तो 25% बढ़ गए, पिछले मैं बोला पिछले साल आया था 100 का, तो पिछले साल की बात है, अब कितने बढ़ गए, अब 25% बढ़ गए। तो तुम्हें निकालना है कि 100 रुपए का 25% परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, तुमने पता चला कि कितने रुपए बढ़ गए। ध्यान रखना अभी सीधा बेसिक सिखा रहा हूं मैं बिल्कुल एकदम आराम से। तुमने पता चला कितने बढ़ गए, 25 रुपए बढ़ गए, कितने रुपए हो गए, पीजे तो 10, जेब में तो 10,000 ही है ना, जेब में कितने, तो भैया वो तो नहीं देगा, वो क्या देगा, 100 पीजे। अब आदमी कितने है, 100, तो बोला भैया कम आएंगे, मिल बांट के खा लियो। तो अब पीजे कितने आएंगे, वे कितने पीजे आएंगे, खर्च खपत कितने पीजे की होगी, कितने पीजे आएंगे हाथ में, बताओ जल्दी से, अस्सी पीजे आ जाएंगे। वे डायरेक्ट देखो इससे भाग दे दिया, 125 से इसको काट दिया, कितनी बार गया 80, और कंजम्पशन कितना आ गया
80, तो पीजे में कमी आई नहीं आई, कितने की कमी आई, 20 की कमी आई। अब परसेंटेज में चेंज करना, तो परसेंटेज चेंज कब होगी, कब होगी, जब तुम्हें आधार पता होगा कि मैं आधार क्या है चेंज करने का, तो तुम्हें आधार तक पहुंचनी है बात। पीजा तो हो गया, खा भी लिया मस्त, 100 पीजे आते थे, अब कितने है, 80, कितने कम हो गए, 20 की कमी आई, 20 की क्या आई, कमी आई। अगर 20 की कमी आई तो तुम्हें आधार मानना है कि आधार 100 है या 80 है। आधार होता है पहले वाला, आधार होता है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक कितना, 100, यानी कि 100 पर कितने की कमी, 20 की। अब तुम्हें 100 की जरूरत नहीं है गुणा करने की, 100 पर लिखी हुई वैल्यू क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है, तो कितने की कमी होगी, 20% की। ध्यान रखना, अगर एक चीज में वृद्धि हो रही है तो अगली चीज में क्या होगी, कमी होगी। कभी भी आंसर वृद्धि वाला मत लगाना, ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बड़े ही अच्छे समझाया शायद, और तुम्हें मजा भी आया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता, ये सिर्फ समझने का तरीका है, एग्जाम में कैसे करना वो देखो। अब अगर ध्यान दो, अगर खर्च क्या रखना है, स्थिर, मैं सिखा ये कर रहा हूं लेकिन सीख तुम सारे रहे हो, क्या होता है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। अगर ये स्थिर हो जाए तो हटा दो, स्थिर हो जाए मान लो एक, कोई वैल्यू एक मान लो, तो पी गुणा सी, पी बराबर 1/C, यानी कि प्राइस किसका होता है, उल्टा खपत का, और अगर सी रखना चाहो तो 1/P, खपत का उल्टा क्या होता है, प्राइस होता है। अब आ जाते हैं सवाल पर, प्राइस में कितने की वृद्धि हुई थी, 25%, बराबर कितना होता है, 1/4। नीचे वाला आधार होता है, आधार मतलब किसकी बात कर रहे हो, तुम बात किसकी कर रहे हो, प्राइस की, मूल्य की, तो नीचे वाला क्या है, आधार यानी कि मूल्य, जिसकी बात, आधार मतलब एक कॉन्सेप्ट है, आधार क्या है, मूल्य, तो मूल्य कितना है, 4। ऊपर वाली क्या है, कमी या वृद्धि, ऊपर वाली, अरे ऊपर वाली वृद्धि है ना, अच्छा ऐसे लिख दिया, ऊपर वाली क्या है, वृद्धि मतलब ज्यादा, तो 4 का प्राइस था, 1 ज्यादा हो गया तो प्राइस कितना हो गया, 5, और ये क्या है, प्राइस। अब तुम्हें पता है कि अगर तुमने खर्च स्थिर रखना है तो ये क्या हो जाता है, सब उल्टा हो जाता है, प्राइस उल्टा होता है किसका, कंजम्पशन उल्टा होता है 1/P का, यानी कि इसको क्या कर दो, उल्टा लिख दो, 5/4, यानी कि तुमसे पूछेगा कंजम्पशन में कितने की परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, तो तुम्हें पता है अगर वृद्धि है तो अगली चीज क्या होगी, कमी है, वृद्धि वाली पर तो जाना ही नहीं है, तो तुमने देखा कितने कमी, 1 की कमी, आधार क्या है, 5, पहले वाला आधार होता है, आधार कितना है, 5, तो 1/5 तुमने देखा कितना होता है, 20%। या तो तुम एग्जाम में ऐसे कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे भी व्यत करो, अब तुम्हें सब कुछ सीख गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ना तो लैंग्वेज की दिक्कत ना कॉन्सेप्ट की दिक्कत, तुम्हें क्या करना है, फ्रैक्शन लिख दी तुमने कितना होता है, 1/4, 1/4, अगर वृद्धि है तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो, अगली चीज तुम्हें पता क्या होने वाली है, माइनस होने वाली है, तुम्हें क्या करना है कि भी ऊपर वाली चीज कभी नहीं बदलती, जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाला भगवान कभी नहीं बदलेंगे, हम बदल जाते हैं इंसान, ऊपर वाले नहीं बदलेंगे, तो एक एक ही रहने वाला है, कौन बदलेगा, नीचे बदलेगा। अगर वृद्धि होगी 4 से 1 तो 5, प्लस है तो जोड़ के नीचे लिख दो, कमी है तो घटा के नीचे लिख दो, अगर ये क्या हो जाती, कमी हो जाती, 25% की कमी होगी तो ऊपर वाला तो नहीं बदलेगा, तो अगली क्या होने वाली है, इधर कमी तो इधर वृद्धि, ऊपर वाला 1, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कहां, तो इसका आंसर, इसका आंसर, टाइम ओवर क्या हमारा, समय समाप्त हो गया, बुलावा आ गया, भगवान जी के बारे में कुछ कह दिया, बताओ लो, अब ये कॉन्सेप्ट था, मैं फटाक दे सवाल बोलूंगा और तुम पटापट पटापट आंसर देते चले जाओ, ये कॉन्सेप्ट हो गया आज से जिंदगी भर का, अब तुम पे डिपेंड करता, तुम जो चाहो वो लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ये लगा लो, 100 मान लो। तो सवाल नंबर 1 मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, जल्दी से उतार लो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर किसी को बात से नहीं समझ आई तो मैं इस क्लास को किस पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, वहां से दोबारा देख लेना। अगर बेस अच्छा है तो नो डाउट चैप्टर हमेशा अच्छा ही होगा,
उतार लिया। लिखो क्वेश्चन है, प्राइस में 20% की वृद्धि होगी, प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई तो खर्च या एक्सपेंडिचर स्थिर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, यहां देख लो इतनी बातें उतारते रहो, कांस्टेंट स्थिर रखने के लिए कंजम्पशन में कितने परसेंट की, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि की जाए। प्राइस में होगी 20% की वृद्धि, खर्च स्थिर रखने के लिए कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए। टाइप नंबर एक, आ गया आंसर, कितना आ गया 20%। तुमने लिखा 20% वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। अगर ये हो रही है वृद्धि तो तुम्हें पता ऊपर वाला नहीं बदलेगा, ऊपर वाला एक रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जल्दी से 4-5 क्वेश्चन लिखो और इस टाइप को समाप्त करते हैं। फिर लिखो, एक व्यक्ति अपनी चाल में 16 से 2/3% की वृद्धि करता है। एक व्यक्ति अपनी चाल में 16 से 2/3% की वृद्धि करता है। यदि दूरी समान है तो समय में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो समय में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस बढ़ाया था, उसमें रिलेटिव स्पीड के किसी ने सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हैं क्या, बनाए इन्हें दे देना जरा फोटो खींच के, ये टाइप कर देंगे हम क्लास बना देंगे। आगे सभी का कि भाई किसमें क्या स्थिर रखना है, तुम्हें दूरी समान करनी है, दूरी क्या है, सॉरी समान है ऑलरेडी, वो किसमें वृद्धि हुई चाल में, कितने की, कितनी फ्रैक्शन होती है, ये वृद्धि है तो अगली क्या होगी, कमी होगी, तो ऊपर वाला तो नहीं बदलेगा, नीचे क्या हो जाएगा 7 और ये कितना होता है 14 से 2/7 या 14.28%। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा बस समझ में, ये तुम्हारा क्या था कॉन्सेप्ट था, किसी भी तरह के सवाल इससे कर सकते हो, थोड़ा सा और बेसिक सीखते हैं फिर उसके कौन सवाल करते हैं, क्लास को प्रॉपर तरीके से कल बढ़ाएंगे, कि आज तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने का दिन है और इन बातों को ध्यान के भी रखना है। ध्यान रखो, अगर दो चीजों को परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है तो किस में होती है, अगर दो फ्रैक्शन है, दो चीजें हैं, तो सबसे पहले मुझे आधार पता होना चाहिए कि मैं आधार किसके आधार पर चेंज कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं 20 रुपए को, 20 रुपए का
20 रुपए का 10 रुपए कितना प्रतिशत है? 20 रुपए का 10 रुपए कितना प्रतिशत है? 20 रुपए का 10 रुपए, यानी कि तुम्हें वैल्यू किसकी बतानी, परसेंटेज में किसको बदलना है, 20 रुपए को 10 रुपए को? 20 रुपए का 10 रुपए कितना प्रतिशत है? कितने रुपए किसको चेंज करना है? 10 को चेंज करना है। अब मैं लिख दिया 20 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है? ये दो देखो सवाल सेम है, सिर्फ किसका अंतर है, छोटी सी लैंग्वेज का। तुम्हें बस अगर ऐसे सवाल करने हैं छोटे सवाल तो क्या पता होना चाहिए तुम्हें, बेस, कि भैया आधार क्या है। अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए कि आधार क्या है, आधार क्या होता है वो बताते हैं। आधार होता है जिसके पीछे का लगा होता है, जिसके पीछे का, की, के, से, है ना, ये सब क्या होते हैं, आधार होते हैं, जिनके पीछे ये वर्ड लगे होते हैं। तो आधार क्या है इसका, 10। चेंज किसको करना है, 20 को। आधार क्या है, 20। चेंज किसको करना है, किस में चेंज करना है, 1/2 बराबर 50%, 2 बराबर 200%, 1 बराबर, अरे 1 बराबर उसमें कितने गुना, बस इतना ही तो सिखाया। बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए, आधार क्या है। और दोनों, अगर दोनों बात की बात करूं तो दोनों बात सेम यूनिट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब क्या है, उनकी जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। अगर ये रुपए में है तो ये भी रुपए में होना चाहिए, ऊपर वाले रुपए में तो नीचे वाला भी रुपए में, ऊपर वाला पैसे में तो नीचे वाला भी पैसे में। ऐसा नहीं ऊपर वाला पैसे में नीचे वाला रुपए में बना दिया। अभी बस में सिर्फ दो लैंग्वेज है, दोनों का ध्यान रखना है तुम्हें। किसका ध्यान रखना है, बसरते इसमें किसका ध्यान रखना है, आधार का। आधार मतलब का, की, के, से, ये सब क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं। उतार लिया क्वेश्चन, बोले लिखो तो 40 पैसे, 40 पैसे 180 पैसे का कितना प्रतिशत है, 40 पैसे 180 पैसे का कितना प्रतिशत है? कल एकदम क्लास मस्त पीपीटी से होगी, अगली क्लास हमारी इसकी, अभी तो आधा बेस था, इसमें बेस में पीपीटी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हमें क्या सिखाना होता है, कॉन्सेप्ट सिखाना होता है। फिर बताना 40 पैसे का 180 पैसे कितना प्रतिशत है? क्या पता होना चाहिए, आधार क्या है, आधार क्या है इसका। 40 पैसे 180 पैसे का किसके पीछे लगा है, 180 के, यानी कि आधार क्या है, 180, और दोनों किसमें है, सेम यूनिट में है, किसमें, किसमें, पैसे पैसे में है, चाहे गुणा 100 कर दो, वरना कितना होता है, 2/9, और 1/9 आप जानते हैं कितना होता है, 11, सही, 1/9, तो यह कितना बन जाएगा, 22, सही, 2/9 या 22.22 आपका आंसर, आप देखते ही मारेंगे। बसरते आप किस में अच्छे हैं, फ्रैक्शन में और कैलकुलेशन में अच्छे हैं। इसमें क्या है, आधार क्या है का, 40 पैसे आधार है, तो आधार 40 कितना बना, 9/2, 1/2 कितना होता है, 50%, उसमें कितने गुणा, 9 की, तो कितना हो गया, 450%। वरना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो कर ही सकते हो, इतना क्या एलर्जी है गुणा भाग से, कुछ तो कर ही लो। आगे बात समझे, अब सेम यूनिट बना के देखने हैं थोड़ी सी। लिखो 180 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? ध्यान रखना, ऐसे ही बीच बीच में क्या सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उन्हीं के आधार पर क्या बोलेंगे, सवाल बोलेंगे। ऐसा नहीं है एक साथ
सारे क्वेश्चन लगा दिए, फिर हम उसमें बीच बीच में सीख रहे हैं। अगर सीखना ही है तो पहले पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखो, फिर सवाल करो। है जी 9%। क्या बोला मैंने? 180 मीटर, 180 मीटर, 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? आधार क्या है? का किसके पीछे लगा हुआ है? दो। ये क्या है? किलोमीटर। ये क्या है? क्या होने चाहिए? सेम यूनिट। अब ये नहीं फर्क पड़ता कि तुम इसे किलोमीटर बदलोगे तो अलग आंसर आएगा, इसे मीटर बदलोगे तो अलग आंसर आएगा, दोनों सेम आएगा। बस तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? यूनिट समान होनी चाहिए। तो का किसके पीछे लगा हुआ है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो नीचे रहने वाला है और 180 कहां रहने वाला है? ऊपर। इतना तो तुम्हें पता है, लेकिन बशर्ते तुम्हें अभी एक बात और पता है कि भैया दोनों की यूनिट समान नहीं है, ये मीटर में है किलोमीटर में, तो तुम्हें जो आसान लगता है उसे बदल लो। 1-0 से 1-0 साहब, कितना आ गया? 9% आ जाएगा? नहीं आ जाएगा 9%? तुम्हारा आंसर है, अब लिखो इसी में, इसी को बदल दो। 180 मीटर का, 180 मीटर का 2 किलोमीटर कितना प्रतिशत है? 180 मीटर का 2 किलोमीटर कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 11 सही, 1/9। सही बटे नो, ध्यान दो भाई, तुम्हें पता है कि आधार क्या है? 180 आधार है, 180 नीचे रहने वाला है, ऊपर क्या रहने वाला है? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। और इसे किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। तुमने देखा इससे कितनी बार गया? 1-0 से कट गया, तो तुमने देखा 100/9। अभी तो क्या करना बाकी है? 100 की गुणा करनी बाकी है, अभी तो 100 की गुणा बाकी है। ग्यारह से ग्यारह तो अब कर दो, इतना 4-0 आएंगे ना, तो आंसर कितना? 40 बंटी कर, साबुन स्लो है, इसे एग्जाम समाप्त नहीं हो रहे हैं। ये बेसिक था, है ना? ये बिल्कुल बेसिक था, ये बात एकदम कंटेस्ट करके आएंगे कल।